जो कहना चाहते हैं कि नोटबंदी हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हम गरीबों के पीछ पर क्या गुजर रहा है आप जानते हैं? अरे अब 4 दिन से हमारी बीवी जाकर के इस ठंड में जाकर के बैंक में बैठी हुई है, घूम घूम करके वापस आती है, न पैसा मिलता है, कहता है कि 5,000 रुपया में नहीं मिलेगा, 2,000 रुपया लेकर के हमारा बच्चा का पढ़ाई छूटा जा रहा है, बेटी स्कूल नहीं जा रही है, ठंड का कपड़ा खरीदना है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग कहते हैं नोटबंदी से बहुत अच्छी हुआ, काला धन आप उजला धन का फेरी में आप लोग रही है, हम गरीब लोग कहे पड़े? ये मोदी जी वहाँ बैठ करके हम लोग जिताए मोदी जी को, इसलिए कि पूरा देखिए देश में ऐसा हाहाकार हो गया, गरीब लोग तरह तरह मच रहे हैं। 10 को मजदूरी करने के लिए जाता है तो 2 आदमी को मजदूरी मिलता है, 8 आदमी घर लौट जाता है, उसका बाल बच्चे को क्या होगा, उसका बीवी बच्चे को क्या होगा? कभी एक मोदी जी सुने, मोदी जी समझे नहीं, अभी मोदी जी क्या माला जप रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। अरे इधर तो पसीना निकल रहा है बैंक में, खड़ा हुए हुए आदमी को फिट होता है, गिर जाता है बैंक में, ठंड के मारे हालत खराब है, बैंक में लाइन लगा के हमारी बीवी गई और लाइन लगा के सामने चली आई, बिना पैसे को वापस आई, हमारी भी नौकरी तोकरी छूट गया, अभी काम धंधा बंद है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी फिर मोदी जी को एक टेलीफोन नंबर लेते हैं, कहीं फोन करेंगे, क्या कहेंगे कि मोदी जी सुधारियो, अभी टाइम है, आज तो 11 तारीख है, अभी तो साला 19 दिन बाकी है, समझ में नहीं आता है कि हतराई तराई मचा हुआ है, लोग बैठ करके भाषण छाट रहे हैं, कभी जाते हैं लंदन तो कभी जाते हैं।